हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ आईटी एजुकेटर। तो देखिएगा, आज जो हम देखने वाले हैं तो इसरो के पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि जो कि अपने पास कंडक्ट हुआ था 2015 में। ठीक है, तो यहाँ पर डेट मेंशन है पेपर की मेंशन जो डेट है वो लिखा हुआ है यहाँ पर 21/6/2015। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम जो देखने वाले हैं तो वो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास चुंबकीय अभिवाह घनत्व की इकाई क्या होती है। ठीक है, तो लास्ट टाइम भी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो यहाँ अपने पास जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टेस्ला हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो है वो देखिएगा कि चुंबकीय पदार्थ में शैथिल्य हानियां मुख्यतः किस वजह से होती हैं। तो देखिएगा कि जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, उसमें जो हिस्टेरेसिस लॉसेस, यहाँ देखिएगा अगर आपने BH का तो देखा होगा, यहाँ अपने पास B होता है और ये अपने पास H होता है। H को बोलते हैं अपने पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, इसे बोला जाता है। ठीक है, क्लियर चीज। और इसे जो बोला जाता है उसे बोला जाता है चुंबकीय घनत्व। ठीक है, तो यहाँ जब कर्व बनता है तो वो कर्व इस टाइप का बनता है। ठीक है, क्लियर चीज। तो यहाँ देखिएगा कि जो पूछा गया है कि मुख्यतः किस वजह से होती है अभिवाह घनत्व की चुंबकीय बल पश्चता, तो यहाँ देखिएगा इस वाले पोर्शन को अगर देखें तो यहाँ अपने पास H जीरो होता है, लेकिन B यहाँ पर जीरो होता है। ठीक है, क्लियर चीज, B यहाँ पर जीरो होता है, तो अभिवाह घनत्व जो है अपने पास, ठीक है, अभिवाह घनत्व उससे पीछे होता है, ये बात सही है, लेकिन इसकी वजह से लॉस नहीं होते। सेकंड दे रखा है मॉलिकुलर फ्रिक्शन, ठीक है, आणविक भार घर्षण कारण, उच्च धारणशीलता होने के कारण। तो ये जो पोर्शन है, ये वाला जो कहलाता है रिटेनिविटी, ये वाला कहलाता है रिटेनिविटी, और ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है कोरोसिविटी। तो यहाँ जो होता है अपने पास जो रिटेनिविटी है इसको बोलते हैं धारणशीलता। क्या बोलते हैं? धारणशीलता। ठीक है, तो यहाँ जो लॉसेस होते हैं वो किसके कारण होता है? धारणशीलता के कारण होता है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो आपके पास सी हो जाएगा। क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखिए कि वायु अंतराल चुंबकीय परिपथ में इसलिए डाला जाता है क्योंकि, ठीक है, तो देखिएगा कि जो अपने पास मैग्नेटिक सर्किट है, ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट में अपने पास जो एयर गैप है उसके बारे में बात की जा रही है कि एयर गैप क्यों डाला जाता है। ठीक है, यानी कि वायु अंतराल क्यों डाला जाता है, वायु अंतराल। ठीक है, अब देखिए इससे क्या होता है कि अगर अपने पास एयर गैप होगा तो रिलक्टेंस जो है, यानी कि S की वैल्यू क्या होगी, मेरे पास ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि S जो है अपने पास क्या होता है, S इक्वल्स होता है L अपॉन म्यू जीरो आर ए। ठीक है, क्लियर चीज। तो यहाँ देखिएगा एयर के लिए अपने पास जो परमेबिलिटी है 1 होती है, तो इसकी वैल्यू कम होगी तो रिलक्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ अपने पास देखिए फ्लक्स जो है, फ्लक्स होता है अपने पास मैग्नेटाइजिंग जो करंट है अपने पास, ठीक है, N into Im upon S रिलक्टेंस। ठीक है, रिलक्टेंस की वैल्यू अगर अपने पास क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ फ्लक्स डेफिनेटली कम होगा। तो यहाँ अगर मैं देखूँ प्रोडक्ट NIm equals to S into φm, क्लियर चीज। तो यहाँ मैग्नेटाइजिंग करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। रिलेक्टेंस ज्यादा होने से मोटर करंट भी क्या होगी, ज्यादा लेगी। तो यहाँ ये जो यूज किया जाता है वो इंक्रीज द सैचुरेशन करंट, तो ये जो होगा अपने पास वो राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि जब तापमान बढ़ता है तो कॉपर प्रतिरोध, ठीक है, तो देखिएगा कि जो कॉपर है इसका जो ताप गुणांक है, कॉपर जो है इसका जो ताप गुणांक है, यानी कि जो RT है, तो ये होता है अपने पास R0 equals to 1 plus alpha naught T। ठीक है, तो यहाँ जो होगा टेम्परेचर कॉफिशियंट है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव होने के कारण क्या होगा, ये जो अपने पास प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू अपने पास क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो RT की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ अपने पास जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ, जूम करते हैं। ठीक है, क्लियर चीज, थोड़ा कम करना पड़ेगा, दिखाई नहीं देगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन जो है वो है चालकत्व की इकाई क्या है। ठीक है, अब देखिए चालकत्व की इकाई की बात करें हम, ठीक है, चालकत्व को बोलते हैं कंडक्टेंस, यानी कि जी इक्वल्स टू क्या होता है, 1/R। ठीक है, इसकी जो यूनिट होगी वो अपने पास क्या होगी, 1/ohm, जिसे क्या बोल सकते हैं, ohm inverse। ठीक है, और आपको पता है 1 mho इक्वल्स टू होता है क्या,
वन साइमन होता है, ठीक है, साइमन से बोलते हैं, सीमेंस से बोलता है, ठीक है, जो राइट आंसर हो जाएगा उसी हो जाएगा, क्योंकि कल जो क्वेश्चन था वो रिपीटेड क्वेश्चन ही है। विशुद्ध प्रतिरोधी धारा का शक्ति गुणक क्या होता है, ठीक है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि जो शुद्ध रेजिस्टिव सर्किट है, ठीक है, यानी प्रतिरोध वाले सर्किट का जो पावर फैक्टर है वो यूनिट होता है, ये कल एक्सप्लेन कर दिया था, तो इसलिए जो राइट आंसर होगा वो यूनिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर का, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा हुआ है अपने पास कि एक तार का प्रतिरोध आर ओम है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो अपने पास क्या दे रखा है, आर दे रखा है। तार की लंबाई को दुगना कर दिया जाए, यानी कि जो एल डैश है उसको कितना कर दिया, 2L कर दिया, ठीक है, करने पर प्रतिरोध कितना ओम हो जाएगा, ठीक है, ये पूछा गया। तो देखिए आर इक्वल्स टू होता है रो एल अपॉन ए, ठीक है, लंबाई को अगर दुगना कर दिया तो ये भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, तो जो रेजिस्टेंस हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, क्लियर चीज। तो देखिएगा यहाँ जो राइट आंसर होगा अपने पास क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिए अगर यहाँ लंबाई को खींच कर दुगना किया होता तो रेजिस्टेंस 4 गुना होता, क्लियर चीज, यहाँ खींच कर नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीन जो 12 8 नंबर का क्वेश्चन है, 3 12 ओम के प्रतिरोध समांतर में जोड़े गए हैं, क्वेश्चन जो कह रहा है कि इस तरीके से अपने पास 3 रेजिस्टेंस जोड़े गए, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, ये भी 12 ओम का, ये भी 12 ओम का, और ये 12 ओम का, तीनों पैरेलल में जोड़े गए हैं, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर डैश आर बाई एन वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है, 12 / 3 कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा, क्लियर चीज। और इसे 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, तो आपसे करंट पूछा गया, तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन आर, ठीक है, 10 वोल्ट है और ये कितना है, 4 है, ठीक है, इसको अगर अपन कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 2.5 एम्पियर, कितना आ जाएगा, 2.5 एम्पियर, क्लियर चीज, क्योंकि ये हो जाएगा 5/2, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नाइन नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है अपने पास, एक स्टैटिक संधारित्र का उपयोग किया जाता है, स्टैटिक जो कैपेसिटर है उसका उपयोग क्यों किया जाता है, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में किया जाता है, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में किया जाता है, इंप्रूवमेंट में किया जाता है, ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिए आपसे ये पूछ सकता है कि जो अपने पास पावर फैक्टर सुधारने के लिए जो कैपेसिटर यूज किया जाता है उसकी रेटिंग किस में होती है, KVAR में होती है, ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, क्लियर चीज। 10 नंबर का क्वेश्चन देखें, 2 संधारित्र C1 C2 श्रेणी में जोड़े गए हैं तो प्रभावी संधारित्र क्या होगी, देखिए अगर ये अपने पास श्रेणी में जोड़े गए हैं तो ये हो जाएगा C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, क्लियर चीज, तो राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ये, अगर पैरेलल में जोड़े होते तो वो हो जाता C1 प्लस C2, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है जिसे आप बोलते हैं श्रेणी, और इसे क्या बोलते हैं, समांतर, ठीक है, क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 12 जो 11वां क्वेश्चन है वो देखिएगा, मैंने जूम कर दिया है एक बार, ठीक है जो 11 नंबर का क्वेश्चन है उसको देखिएगा, क्वेश्चन जो क्या है, क्या कहता है, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है वह तापमान, दिखाई नहीं देगा वह तापमान जहां पदार्थ अपना चुंबकत्व खो देता है, ठीक है, देखिए वह टेम्परेचर जिस पर अपने पास पदार्थ अपना चुंबकत्व होता है उसे बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, क्या बोलता है, क्यूरी तापमान बोला जाता है, क्या बोला जाता है, क्यूरी तापमान बोला जाता है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो अपने पास क्या होगा, ए होगा, क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, 11 तक हमने सॉल्व कर लिया, तो 12 नंबर से क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 11 तक हमने सॉल्व ही कर लिया, तो देखिए 12 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है अपने पास, देखिए कि एसी साइन तरंग की वोल्टता 0 से 100 वोल्ट तक बदलती है, ठीक है, 0 से 100 वोल्ट तक बदलती है, यानी कहने का मतलब है इस तरीके से 0 से यहाँ तक जा रहा है, 100 वोल्ट तक बदल रहा है, ठीक है, क्लियर चीज। और 30 डिग्री तक्षण पर कितनी वोल्टता होगी, ठीक है, 30 डिग्री पर पूछा जाएगा कि यहाँ अपने पास कितनी वोल्टता होगी। अब देखिए जो साइन 30 का मान है, साइन 30 का मान जो होता है वो होता है अपने पास 1/2, कितना होता है बेटा, 1/2 होता है, ठीक है, तो अपने पास अगर अपने पास एंगल लिखा जाता है इस तरीके से, अगर रेफरेंस एंगल लिखी जाती है तो वो लिखी जाती है Vm sin ओमेगा t,
ठीक है, तो Vm की वैल्यू अपने पास 100 है इंटू 1/2, तो ये कितना जाएगा 50 वोल्ट आ जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा मेरे पास डी होगा। क्लियर चीज, ये जो 30 डिग्री पर अपने पास जो इंस्टेंटेनियस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा 50 वोल्ट होगा। नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि अगर एक 220 वोल्ट का तापक 110 वोल्ट प्रदान करता है, ठीक है, तापक 110 वोल्ट प्रदान करता है तो ऊष्मा का उत्पादन होगा। ठीक है, अब देखिए कि अगर पावर जो है मेरे पास पावर है वो होती है V²/R। ठीक है, अगर इसे हीट लेनी है तो अपने पास टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये अपने पास वोल्टेज V था और यहाँ वोल्टेज क्या हो गया V/2 हो गया, तो यहाँ मैं फॉर्मूला लगाऊँ तो ये हो जाएगा V²। ठीक है, और 1/2 का करेंगे तो ये 4 और ये हो जाएगा R ये इंटू T। ठीक है, क्लियर, तो ये हो जाएगा मेरे पास P डैश और ये वैल्यू किसकी थी अपने पास P की है, तो ये कितना हो जाएगा P/4। ठीक है, ये एक चौथाई हो जाएगा, यानी कि जो पावर है अगर अपने पास वोल्टेज हाफ कर देंगे तो पावर भी क्या हो जाएगी अपने पास हाफ, पावर जो है एक चौथाई हो जाएगी। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यानी कि 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, 14 नंबर का क्वेश्चन है इनमें से किसका पैरावैद्युतांक सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो देखिएगा जो पैरावैद्युतांक पूछा गया है कि यहाँ ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है अपने पास माइका, सेकंड ऑप्शन दे रखा है पोरोसिलिन, डी दे रखा है अपने पास कांच और ये दे रखा है क्वार्ट्ज। तो देखिए सबसे ज्यादा जो अपने पास पैरावैद्युत सामर्थ्य होता है वो होता है माइका का होता है। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो अपने पास क्या होगा ए हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ठीक है, वो कहता है कि भाई 25 हर्ट्ज, ठीक है, 25 हर्ट्ज जया वक्रीय आवृत्ति से शून्य से अधिकतम मान तक पहुंचने में समय लगता है। ठीक है, अब देखिए शून्य से अधिकतम मान के लिए बात कर रहा है अपने पास। ठीक है, क्लियर चीज, तो यहाँ देखिएगा इसके अगर मैं अपने पास टाइम पीरियड निकालूँ तो टाइम पीरियड क्या होगा 1/f होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/f, तो यहाँ ये जाएगा 25 25, अगर इसको सॉल्व करूँगा मैं, ठीक है, 25 को, सो 1/25 को, तो ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अब देखिए ये आ जाएगा 0.04 सेकेंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.04 सेकेंड। अब ये कह रहा है कि यहाँ तक शून्य से जयवक्रीय आवृत्ति को शून्य से अधिकतम मान तक पहुँचने के लिए, अब इसका जो टोटल टाइम पीरियड है ये जो वेव फॉर्म है वो ऐसे बनेगी। ठीक है, तो यहाँ जो टोटल टाइम पीरियड लग रहा है वो लग रहा है 0.04 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ इसका मान अधिकतम होगा ऋणात्मक पर, यहाँ होगा। ठीक है, तो इतने सेक्शन कितने हो जाएंगे, 4 सेक्शन हो जाएंगे, तो ये अपने पास क्या रहा होगा 0, ये जो रहा होगा 0.1, ये रहा होगा 0.2, ये रहा होगा 0.03, ये 0.04, तो यहाँ कितना सेकंड लग जाएगा 0.01 सेकंड। तो देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ गलतियाँ ये होती हैं कि आप डायरेक्टली क्या कैलकुलेट कर दोगे, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर दोगे, तो मैक्सिमम पूछा गया है, तो मैक्सिमम जो होगा अपने पास क्या होगा ये वाला पॉइंट होगा, तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 0.01 सेकेंड। ठीक है, क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर का क्वेश्चन जो है कि वो कह रहा है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो देखिएगा ट्रांसफार्मर जो काम करता है वो फैराडे के म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, क्लियर चीज, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, फैराडे के म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो ये वाला गलत है, यहाँ पर सी वाला जो है वो सही है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। ठीक है, क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने पास जो 17 नंबर का क्वेश्चन है वो देखिएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ ये हिंदी में क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, इंग्लिश में पढ़िएगा ट्रांसफार्मर वर्क्स। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है वर्क्स, ठीक है, ट्रांसफार्मर वर्क्स, तो यहाँ ट्रांसफार्मर्स लिखा हुआ है, जो वर्क्स लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि जिसमें सभी ट्रांसफार्मर आ गए, तो सेल्फ जो अपने पास है इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर भी होगा। ठीक है, और अपने पास क्या होगा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर भी होगा, तो इसलिए इसका जो अपने पास राइट आंसर होगा वो होगा स्वयं प्रेरक और अन्य सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो ये गलत हो जाएंगे। देखिए हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, ट्रांसफार्मर वर्क्स लिखा हुआ है, तो इन सभी ट्रांसफार्मर इंक्लूड होंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा डी होगा। क्लियर चीज, ठीक है, तो यही प्रॉब्लम होती है बेटा इंग्लिश तभी लिखा होता है पेपर में कि हिंदी में त्रुटि होने पर इंग्लिश को सही माना जाए, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप इंग्लिश में देखोगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इस पर। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर का क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, इसमें लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानि निम्नलिखित में से विधि द्वारा कम से कम होता है। ठीक है, अब देखिए कि भी अगर अपने पास देखिए एडी करंट लॉसेस जो है पी वो होता है अपने पास के बी एम का स्क्वायर
एफ स्क्वायर और टी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर चीज। एक तो हम क्या यूज करते हैं, लेमिनेटेड कोर यूज कर लेते हैं। लेमिनेटेड कोर से अपने पास क्या किया जा सकता है, इसे कम किया जा सकता है, ये बात सही है, ठीक है। दूसरा क्या किया जा सकता है, आर इक्वल्स टू होता है रो एल अपॉन ए, रो रेजिस्टिव वाला है, हाई रेजिस्टेंस वाला पदार्थ अपन यूज कर ले, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन ए और बी दोनों राइट है, तो इसलिए राइट आंसर होगा अपने पास सी। क्लियर चीज, ठीक है, ए बी दोनों राइट हो जाएंगे। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है जब, इसे मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि इसी पर आपका फोकस रहे, ठीक है। 18 नंबर का क्वेश्चन अब देखिएगा, ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है जब द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम, ठीक है। ये अर्ध भार पर चलता है, ठीक है, इंटरनल एट द फुल लोड, ये पूर्ण भार पर चलता है, इसमें कॉपर हानि तो लो हानि के बराबर होती है। देखिए ये अपने पास कंडीशन है, अपने पास कॉपर हानियां और लो हानियां अपने पास क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है, आयरन लॉसेस बराबर होने चाहिए, तब अपने पास क्या है दक्षता ज्यादा होती है ट्रांसफॉर्मर की। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो अपने पास क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 18 तक हमने सॉल्व कर लिया है, तो 19 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा आप, क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वोल्टता की आवृत्ति होगी तथा फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है। तो देखिए ट्रांसफार्मर जो है अपने पास, ये हो गया ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है, किसको चेंज नहीं करता, आवृत्ति को चेंज नहीं करता है, ठीक है, क्लियर चीज, और ना ही अपने पास फ्लक्स को चेंज करता है, क्योंकि इसे कॉन्स्टेंट फ्लक्स डिवाइस बोलते हैं, क्लियर चीज। तो यहाँ अपने पास जो आवृत्ति है जितनी प्राथमिक में होगी उतनी सेकेंडरी में होगी, प्राथमिक वोल्टता के बराबर होगी, तो राइट आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है अपने पास, ट्रांसफॉर्मर की वोल्टता अनुपात होती है, ठीक है। अब देखिए वोल्टेज रेशो जो होता है अपने पास ट्रांसफार्मर का, वो अपने पास या तो N2 अपॉन N1 के बारे में बोलते हैं, V2 अपॉन क्या होना चाहिए V1, तो इसे क्या बोल सकते हैं सेकेंडरी वोल्टेज, ES बोल सकते हैं, प्राइमरी को बोल सकते हैं EP। तो जो राइट आंसर हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ES अपॉन EP। तो ES जो है अपने पास सेकेंडरी वोल्टेज है और EP जो है प्राइमरी। ये जो TP अपॉन TS और TS ये अपने पास टर्न रेशो दे रखे हैं, ठीक है, तो ये सभी अपने पास क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 220/6 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में ऊर्जा यानी वोल्टेज, जो प्राथमिक कुंडली का जो वोल्टेज है वो कितना दे रखा है, 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज प्रदाय से किया जाता है, तो द्वितीयक में निर्गम वोल्टता होगी, ठीक है। देखिए कि यहाँ अपने पास जो सप्लाई वोल्टेज जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 110, ठीक है, तो यहाँ कितना है 220, तो इसका हाफ दे रखा है, तो डेफिनेटली इसका हाफ हो जाएगा 6 वोल्ट का, अगर हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 वोल्ट हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास 3 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। भाई 220 और 6 वोल्ट का ट्रांसफार्मर था, इसे ऑपरेट करा रहे हैं हम 110, तो ये अपने पास क्या, इसका आधा हो गया ना हाफ, तो ये वोल्टेज भी कितना देगा, हाफ देगा, तो हाफ कितना हो जाएगा 3 वोल्ट हो जाएगा, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इसके। 22वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 22वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास, ठीक है। 22वें नंबर का क्वेश्चन है अपने पास कि ट्रांसफार्मर की चुंबकीय अभिवाह क्षरण को इसके द्वारा न्यूनतम करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज इज रिड्यूस्ड टू अ मिनिमम इन ए ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ अपने पास जो ट्रांसफार्मर है, अपने पास जो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है, अपने पास ये अपन प्राइमरी कर दी, इसके बाद अपने पास क्या कर दिया, सेकेंडरी कर दिया, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, इसको बोलते हैं इंटरलिविंग, ठीक है, अंतरपत्रण बोलते हैं इसको, ठीक है। इंटरलिविंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी के द्वारा इसको क्या किया जाता है, कम किया जाता है। यही कारण होता है कि अपने पास जो ट्रांसफार्मर है उसमें अपने पास ये कोर होती है, इसके बाद अपने पास प्राइमरी की जाती है, उसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग यानी कि लो वोल्टेज वाइंडिंग कराई जाती है, तो इसको बोलते हैं या लीकेज रेजिस्टेंस, जो लीकेज फ्लक्स है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो अपने पास ये होगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली को क्या करते हैं, अंतरपत्रण करते हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक लीकेज रिएक्टेंस जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, निम्नलिखित में से किन जनन केंद्रों में चालित लागत न्यूनतम होती है। देखिए ऑप्शन दे रखा है द्रवी विद्युत केंद्र, द्रवी यानी कि ये अपने पास क्या हो जाएगा, पन बिजली हो जाएगा बेटा, इसको पन बिजली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पन बिजली। ये नाभिक है, न्यूक्लियर स्टेशन दे रखा है, तापीय, ठीक है, और डीजल।
तो डीजल देखिए अपने पास महंगा आता है, और तापी में अपने पास जो यूज करेंगे कोयला, यहाँ भी कोस्ट जो होती है वो अपने पास जो रनिंग कोस्ट जो होती है हाई होती है, नाभिके में भी रनिंग कोस्ट है। यहाँ अपने पास वाटर यूज करता है जिसका अपने पास कोई कोस्ट नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए जो अपने पास रनिंग कोस्ट जो मिनिमम होती है वो किसकी होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन की होती है। तो राइट आंसर अपने पास क्या होगा, ये होगा। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उच्च वोल्टता एसी पक्ष में हार्मोनिक के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए डीसी संचरण तंत्र में प्रदान किए जाते हैं। देखिए हार्मोनिक्स जो है, पहली बात तो हार्मोनिक्स ये मैंने लिख दिया, हार्मोनिक्स इनको बोलते हैं हिंदी में हरात्मक। क्या बोलते हैं? हरात्मक। अब ये हरात्मक क्या होते हैं, मान लीजिए ये मेरे पास फंडामेंटल, ये फंडामेंटल वेव फॉर्म है, ठीक है। एक तो रुकिएगा, ठीक है, इसको समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, ठीक है, ये मैं फंडामेंटल वेव फॉर्म बना रहा हूँ। ये अपने पास वेव फॉर्म देखिए ऐसी है, ठीक है। यहाँ ये अपने पास, एक मिनट ओके, ये फंडामेंटल वेव फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है अपने पास, यहाँ अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी मेरे पास एफ है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ है, क्लियर चीज। यहाँ से यहाँ तक जो फ्रीक्वेंसी लेके चल रहा हूँ मैं, वो एफ लेके चल रहा हूँ, ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिए यहाँ अपने पास क्या है, कुछ वेव फॉर्म आ जाएंगी। कुछ वेव फॉर्म कैसे आ जाएंगी कि यहाँ मान लीजिए ये अपने पास क्या है कि यहाँ अपने पास इस तरीके से यहाँ दो चक्र पूरे हो रहे हैं, ठीक है। तीसरी वेव फॉर्म मान लीजिए ये आ गई मेरे पास, ठीक है, ब्लू वाली, ठीक है। यहाँ अपने पास चक्र पूरे हो रहे हैं इसके तीन, ठीक है, इस तरीके से चक्र तीन पूरे हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है, अगर मैं बात करूँ यहाँ, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है तो वो कितनी हो जाएगी अपने पास, ठीक है। यहाँ फ्रीक्वेंसी जो होगी तो यहाँ पे तो अपने पास क्या है, ये रेड वाली दिख रही फ्रीक्वेंसी एफ है, और यहाँ ब्लू वाली देख लीजिए तो यहाँ तीन एफ हो जाएगी, और यहाँ अपने पास क्या हो जाएगी, टू ओफ हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी का जो गुणक है उनको क्या बोलते हैं, हरात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरात्मक। अब इनको फिल्टर आउट करने के लिए अपन यूज करते हैं अपने पास फिल्टर। क्या यूज करते हैं? फिल्टर यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो अपने पास क्या होगा, संट फिल्टर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जूम कर लेता मैं ताकि आपको दिखाई दे। ट्वेंटी फोर तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, ठीक है। यहाँ दे रखा है, निम्न में से किन मोटर का शुरुआती बलागुण ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए एसी सीरीज मोटर और डीसी सीरीज मोटर दोनों को कंपेयर करें तो देखिए एसी सीरीज मोटर तो डीसी सीरीज मोटर का ही सुदृढ़ रूप होता है। इंडक्शन मोटर जो है अपने पास यहाँ मेंशन नहीं कर रखा है, सिंगल फेज या थ्री फेज है, ठीक है। सिंगल फेज का बलागुण तो अपने पास नॉट सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, अपने पास थ्री फेज हो गए तो इसका बलागुण अपने पास डिपेंड करता है स्क्रॉल केज या फिर स्लिपिंग इंडक्शन मोटर है। तुल्यकालिक मोटर ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, तो दोनों में अगर कंपेयर करें तो ज्यादा किसका होता है, डीसी सीरीज का होता है बलागुण, ठीक है। इसलिए इसका जो यूज किया जाता है वो अपने पास खिंचाव कार्य में यूज किया जाता है, जैसे ट्रैक्शन सिस्टम, ट्रैक्शन सिस्टम की बात कर लेते हैं, ठीक है, जैसे आप बोलते हो कर्षण कार्य, कर्षण कार्य, ठीक है। दूसरा अपने पास क्या हो गया, रेलवे इंजन बोल सकते हो, रेलवे इंजन, ठीक है। अपने पास और क्या बोल सकते हैं, विद्युत क्रेन में यूज करते हैं इसको, ठीक है, विद्युत क्रेन में यूज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले इसको साफ कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। डीसी मोटर का वोल्टता समीकरण होता है, ठीक है। अब डीसी मोटर में वोल्टता समीकरण पूछा है तो आपको पता है बैक ईएमएफ जो होता है, बैक ईएमएफ वीबी इक्वल्स टू होता है वी माइनस आईएआर, ठीक है। तो यहां से मुझे ये वोल्टेज निकालना है, तो वी क्या हो जाएगा, ईबी प्लस आईएआर, तो ये अपने पास क्या होगा, वोल्टता समीकरण होगा। तो यहां जो राइट आंसर होगा अपने पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बस यहाँ मिस्टेक ये नहीं कर देनी है आपको कि भाई अपने पास वोल्टता समीकरण में आप क्या लिख दो, बैक ईएमएफ वाला फॉर्मूला लिख दो, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर के तुल्यकालिक गति और असल गति के अंतर को क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए तुल्यकालिक गति, ठीक है, और अपने पास जो असल गति होगी वो अपने पास क्या होगी,
एनआर होगी, इन दोनों के अंतर को जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, स्लिप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्लिप बोला जाता है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्लिप हो जाएगा। क्लियर चीज? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले से इरेज कर देते हैं ताकि आपको अगला क्वेश्चन साफ सुथरा दिखाई दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास वो देखिएगा 28 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। ठीक है, डीसी मशीन में दिक परिवर्तक, डीसी मशीन में दिक परिवर्तक यानी कम्यूटेटर इन डीसी मशीन, ठीक है, उसका जो काम है वो क्या होता है? आर्मेचर को शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, रिड्यूस द पावर लॉस इन आर्मेचर। ठीक है, यानी कि जो अपने पास आर्मेचर में शक्ति हानि को कम करता है। दूसरा जो दे रखा है वो आपके पास दे रखा है कि क्षेत्र परिपथ में शक्ति हानि को कम करता है। ठीक है, यानी कि रिड्यूस द पावर लॉस इन द फील्ड सर्किट। ठीक है, प्रेरित एसी आर्मेचर वोल्टता को प्रत्यक्ष वोल्टता में बदलता है, कन्वर्ट इंड्यूस एसी आर्मेचर इनटू डायरेक्ट वोल्टेज। जो राइट आंसर हो जाएगा अपने पास उसी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बता भी रखा है कि अगर अपने पास बात करें किसकी, कम्यूटेटर की, कम्यूटेटर जो है अपने पास वो क्या करता है, अगर जनरेटर की बात हो, जनरेटर में अपने पास रेक्टिफायर का काम करेगा। ठीक है, और यदि मोटर की बात करेंगे तो मोटर में जो अपने पास ये काम करेगा वो इन्वर्टर की तरह काम करता है। क्लियर चीज? तो यहाँ जो राइट आंसर था अपने पास वो सी था। 29 नंबर का क्वेश्चन देखेगा। ठीक है, ठीक है, 29 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या कहता है। ठीक है, एक संट जनरेटर, ठीक है, एक संट जनरेटर जो अपने पास किस पर चल रहा है, 2000 आरपीएम पर, यानी कि N1 जो स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको, 2000 आरपीएम दे रखी है। ठीक है, और जो इसका जो ईएमएफ है यानी कि E1 जो दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है, 100 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, यदि गति को बढ़ाकर कितना कर दे, 3000, यानी कि N2 कर दे अपने पास कितना, 3000 कर दे। ठीक है, तो आपसे पूछा गया E2 की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन मार्क है। आपको पता है कि जो अपने पास स्पीड है वो बैक ईएमएफ के डायरेक्ट, जो जनरेटेड ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। E2 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो देखिएगा यहाँ अपने पास 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये अपने पास कैंसिल आउट हो गया, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 150 वोल्ट। ठीक है, क्लियर चीज? या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं आप, E2 इक्वल्स टू क्या होगा, E2 अपॉन E1 इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो राइट आंसर था वो अपने पास क्या था, डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के लेवल कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले बेस है और कुछ अपने पास क्या है कि इतने अच्छे हैं कि आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, कंसेप्चुअल है सारे क्वेश्चन। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। त्रि प्रवस्था 400 वोल्ट प्रेरण मोटर द्वारा विकसित बल आघूर्ण 100 न्यूटन मीटर है। ठीक है, अब देखिए 400 वोल्ट पर जो बल आघूर्ण है अपने पास वो कितना दे रखा है, 100 न्यूटन मीटर है। ठीक है, क्लियर चीज? अब देखिए वोल्टा को घटाकर कितना कर दिया गया है, 200 कर दिया गया है। तो यहाँ अपने पास बल आघूर्ण पूछा है। अब आपको पता है कि वोल्टेज को क्या कर दिया, हाफ कर दिया है। ठीक है, और आपको पता है कि अपने पास त्रिकला मोटर में जो टॉर्क है वो अपने पास वोल्टेज के वर्ग के प्रोपोर्शनल होता है। तो वी बाई टू का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई फोर, यानी कि जो बलागुण है वो कितना हो जाएगा, 1/4। तो इसे 4 से डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा, 25 न्यूटन मीटर। कितना हो जाएगा, 25 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो राइट आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, 25 न्यूटन मीटर। आप इस तरीके से नहीं कर सकते, तो इस तरीके से फॉर्मूला याद रखे कर सकते हैं, T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू V1 का स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूले से रखे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पहले मैं इसको अरेंज कर देता हूँ ताकि आपको अगला क्वेश्चन साफ दिखाई दे। ठीक है, तो 31 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान है, बाकी आप कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट वो आपके अच्छे होने चाहिए और किस तरीके से फॉर्मूले को यूटिलाइज करना है वो देखना है। ठीक है, क्लियर चीज? क्योंकि इसरो में अपने पास कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है और कुछ कंसेप्चुअल होता है। एक डीसी श्रेणी मोटर में आर्मेचर करंट धारा प्राप्त करता है, यानी कि डीसी श्रेणी मोटर दे रखा है और उसमें आर्मेचर करंट के बारे में बात कर रहा है। संतृप्ति चुंबक की स्थिति में काम करती है, यानी कि यहाँ अपने पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इस तरीके से है कि यहाँ अनसेचुरेटेड था, यहाँ अपने पास क्या है, सेचुरेटेड है। ये जो है सेचुरेटेड अवस्था आ गई है, सेचुरेटेड। ठीक है, क्लियर चीज? तो मोटर में विकसित बल आघूर्ण किसके समानुपाती होगा, तो देखिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको कैरेक्टरिस्टिक में बताया था जो आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं, तो वहाँ अपने पास देखिए इस वाले पोर्शन को बोलते हैं अनसेचुरेटेड। तो यहाँ जो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू होता है वो आई स्क्वायर टू होता है, लेकिन यहाँ जो होता है ये अपने पास अनसेचुरेटेड, जो सेचुरेटेड अवस्था होती है यहाँ अपने पास टॉर्क प्रोपोर्शनल टू होता है आई ए का। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास कि 31 तक हम सॉल्व कर चुके हैं, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 32 देखेंगे। 32 क्वेश्चन जो क्या कहता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए 32 क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ कह रहा है कि संचरण रेखा रोधी सामान्यतः बना होता है, ट्रांसमिशन लाइन में जो इंसुलेटर है वो किसका बना होता है, पॉर्सलिन का बना होता है। किसका बना होता है, पॉर्सलिन का बना होता है, या फिर अपने पास बनेगा ड्राई कांच का। किसका, ड्राई कांच का, ठीक है। क्लियर, या तो हम किसके बनाएंगे, पॉर्सलिन के बनाएंगे, या फिर अपने पास किसके बनाएंगे, सूखे कांच का, ड्राई ग्लास का, ठीक है। क्लियर चीज, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पॉर्सलिन हो जाएगा। पॉर्सलिन ए जो है अपने पास वो राइट आंसर होगा। 33 अपने पास काफी आसान क्वेश्चन है। प्रकाश की गति जो है वो क्या होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, और कभी कभी सेंटीमीटर में दिया जाता है, तो 10^10 हो जाएगा, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, सॉरी सेंटीमीटर प्रति सेकंड। जब आप किस में दे रहे हो, सेंटीमीटर में दे रहे हो, तो यहाँ जो राइट आंसर है वो अपने पास होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 34 देखते हैं। 34 भी अपने पास काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में जो दे रखा है वो पूछ रहा है कि ट्रांजिस्टर में अर्धचालक में प्रतिकृति होती है। देखिए ट्रांजिस्टर जो है अपने पास, ट्रांजिस्टर की अगर बात करें तो ट्रांजिस्टर अपने पास टू टाइप्स के होते हैं। देखिए ये अपने पास क्या है, ट्रांजिस्टर, ये वाला एक तो ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है। इसमें तीन लेयर होती हैं, ठीक है। तीन लेयर कौन कौन सी होती हैं बात कर लेते हैं हम, तीन लेयर की, ठीक है। एक लेयर ये हो गई और सेकंड लेयर ये हो गई, ठीक है। और यहाँ तीन टर्मिनल होंगे, इसमें तीन टर्मिनल कौन कौन से वो भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगर मैं बात करूँ ट्रांजिस्टर में, तो ये जो परतें होती हैं अपने पास, ठीक है, ये अल्टरनेट होती हैं, पी एन पी, या फिर हो सकती है एन पी एन। तो ट्रांजिस्टर दो प्रकार के हो सकते हैं, पी एन पी या फिर एन पी एन। यहाँ तीन टर्मिनल कौन कौन से होते हैं, एक टर्मिनल होता है एमिटर, एमिटर जिसे आप क्या बोल सकते हो, उत्सर्जक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्सर्जक, ठीक है। एक होता है कलेक्टर, कलेक्टर, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो, संग्राहक बोलते हो, क्या बोलते हो, संग्राहक बोलते हो। एक होता है अपने पास बेस, जिसे आप क्या बोलते हो, आधार बोलते हो, क्या बोलते हो, आधार बोलते हो। अब देखिए यहाँ से जो करंट चलता है, मान लीजिए 100% करंट चला, ठीक है, तो यहाँ अपने पास 90% जो है अपने पास कलेक्टर के द्वारा करंट कलेक्ट कर लिया जाता है, बाकी 10% अपने पास कहाँ हो जाता है, बेस में चला जाता है। तो जो सबसे ज्यादा करंट होता है वो क्या होता है, एमीटर करंट होता है, इसलिए लिखा जाता है एमीटर जो करंट होता है वो एल्जेब्रिक सम होता है, किसका, अपने पास कलेक्टर सम, कलेक्टर करंट और बेस करंट का। क्लियर चीज, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर है अपने पास, ट्रांजिस्टर में जो परतें हैं वो कितनी होती है, तीन होती है, 1, 2, 3, ठीक है। तो राइट आंसर होगा अपने पास सी। इसके अलावा टर्मिनल पूछे तो वो भी तीन होते हैं अपने पास, और यदि जंक्शन पूछे तो जंक्शन एक तो ये होगा और एक जंक्शन ये होगा। तो जंक्शन जो होंगे अपने पास, एन पी एन संधि पूछे तो कितनी होगी, दो होगी, और डिप्लेशन लेयर पूछे तो अपने पास वो भी कितनी होगी, दो होंगी। क्लियर चीज, तो ये ट्रांजिस्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट है। और यदि सबसे बड़ा आकार पूछे तो किसका होता है, कलेक्टर का होता है बेटा, ठीक है। और इसी पर क्या यूज करते हैं, हीट सिंक यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, हीट सिंक, इसी पर यूज किया जाता है। चले तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ कि 35 नंबर का जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ देखिए आपसे पूछा गया है कि ट्राई किसके तुल्य है, तो देखिए मैं पहले एक बार ट्राई का सिंबल बना देता हूँ कि ट्राई का सिंबल किस टाइप का होता है, ठीक है। तो देखिए ट्राई किस टाइप का होता है, कि ट्राई का सिंबल जो होता है अपने पास, ठीक है, ट्राई में भी अपने पास तीन टर्मिनल होते हैं, कितने टर्मिनल होते हैं, तीन टर्मिनल होते हैं, ठीक है। इसका जो सिंबल वो देखिएगा, ये वाला जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल, ये तीन टर्मिनल होते हैं। अब तीनों टर्मिनल के नाम बता देता हूँ मैं, कौन कौन से होता है, ठीक है। एक टर्मिनल होता है अपने पास MT1, एक होता है टर्मिनल MT1, ये होगा MT1 जिसे मेन टर्मिनल 1 कहते हैं, एक होता है MT2 और एक होता है गेट, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ ऐसा लगता है कि जैसे अपने पास दो SCR को एंटी पैरेलल जोड़ा हो, ठीक है, ये इसका गेट हो गया, इसका गेट ये हो गया, इनको इस तरीके से जोड़ा गया, ठीक है, और ये अपने पास MT1 और ये MT1, ठीक है। दो SCR समांतर में संबंधित हो, दो SCR जो है विपरीत समांतर में, 2 SCR कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल, तो बी जो होगा वो अपने पास, क्योंकि उल्टे जुड़े हुए हैं ना ये, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसलिए मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इरेजेस, तो ट्राई का सिंबल भी आपको बता दिया, यहाँ जो राइट आंसर था वो बी था। अब 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है,
ठीक है। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ दे रखा है आपके पास कि एक आधुनिक अर्धचालक यंत्र जो MOSFET और BJT के अभिलक्षणों से बना होता है। देखिए कि BJT और जो MOSFET है, इन दोनों के जो अपने पास अभिलक्षणों से बनता है वो बनता है IGBT। क्या बनता है? IGBT। ठीक है, इसमें दोनों की प्रॉपर्टी यूटिलाइज की जाती है, और इसका जो सिंबल होता है वो इस टाइप का सिंबल होता है। 3 टर्मिनल होते हैं इसमें भी, ये कलेक्टर टर्मिनल होता है, ये एमिटर टर्मिनल होता है, और ये जो होता है गेट टर्मिनल होता है। ठीक है, इसका जो यूज किया जाता है वो इन्वर्टर में यूज किया जाता है बेटा। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा अपने पास वो ए हो जाएगा। क्लियर इज। 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन ठीक तरीके से दिखाई। ठीक है, 37 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 37 नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि दो इनपुट लॉजिक गेट का आउटपुट 0 है, सिर्फ और सिर्फ तब जब इनपुट असमान हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पूछा गया है कि आपसे कि दो आउटपुट टू इनपुट लॉजिक गेट 0, ठीक है, ओनली इफ द इनपुट आर अनइक्वल, देन इनपुट जो अपने पास क्या हो अनइक्वल हो, जैसे 0 और 1 हो और 1 और 0 हो, तब इसका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसा जो गेट होता है वो अपने पास कौन सा होता है बेटा, एक्स नॉर गेट होता है। कौन सा गेट होता है? एक्स नॉर गेट होता है। ठीक है, क्लियर चीज। और एक होता है एक्सोर। ठीक है, एक्सोर में क्या होता है अपने पास, क्या होता है, दोनों इनपुट जब अपने पास इनइक्वल होता है तब उसका आउटपुट 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ अपने पास अनइक्वल के लिए पूछा था, तो यहाँ अपने पास ये राइट आंसर है। ठीक है, 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम पीएन जंक्शन की नी वोल्टता कितनी होती है। देखिए सिलिकॉन के लिए नी वोल्टता होती है 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए नी वोल्टता होती है 0.3 वोल्ट। राइट आंसर हो जाएगा अपने पास सी। ठीक है, 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास। ठीक है, 39 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखिए वो क्या कहता है कि एक सूक्ष्म नियंत्रक चिप सामान्यतः कौन से यंत्र होते हैं, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर है उसमें क्या क्या होता है, रोम रैम और इनपुट आउटपुट। तो देखिए माइक्रो कंट्रोलर में ये सभी होते हैं, रैम भी होता है, रोम भी होता है, ठीक है, इनपुट आउटपुट भी होता है। तो देखिए रोम की जो फुल फॉर्म होती है रैंडम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और रैम की होती है रैंडम एसएस मेमोरी। ठीक है, क्रेजिस, ये जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। क्रेजिस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है अपने पास। 39 तक हमने सॉल्यूशन देख लिए हैं। ठीक है, 40 से देखते हैं। ठीक है, 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है वो सुनिएगा आप। ठीक है, 40 नंबर का, एक संचरण देगा के चालक को उत्पादित आन मन निर्भर करता है, द सैग प्रोड्यूस इन द कंडक्टर इन अ ट्रांसमिशन लाइन डिपेंड। ठीक है, तो देखिए सैग जो होता है S=, ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन ए टी। ठीक है, तो ये अपने पास किस पर, वेट पर डिपेंड करता है, यानी कि भार पर डिपेंड करता है। ठीक है, लंबाई पर डिपेंड करेगा, क्लियरिस, और तनाव पर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियरिस जो टेंशन जो होगा, तो तीनों चीज़ों पर डिपेंड होगा, इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब एक सैग क्या होता है अपने पास, ये जो अपने पास पूल है ये दूसरा पूल है, तो यहाँ से जो कंडक्टर है तो ये लेवल और सपोर्ट से जो इसके बीच की दूरी है इसको क्या बोला जाता है, सैग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सैग बोला जाता है। क्लियरिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सैग अपने पास किस पर डिपेंड करता है, सभी पर डिपेंड करता है। तो 41 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे अपने पास, क्योंकि 40 तक हमने सॉल्यूशन देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिएगा आपके पास, वो क्या कहता है कि एक सौर्य या प्रकाश वोल्टिक सेल बदलता है। ठीक है, देखिए यहाँ अपने पास सोलर और फोटोवोल्टिक सेल के बारे में बात किया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से जो अपने पास सूरज से जो रोशनी आएगी, ठीक है, ये अपने पास इस सेल पर पड़ेगी और ये किस में जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ कौन सी ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, तो सौर्य जो सौर्य विकिरण है, ठीक है, सोलर रेडिएशन है, उसको अपने पास किस में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। तो सोलर रेडिएशन इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो बी जो होगा अपने पास वो राइट आंसर होगा। 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 42 नंबर का क्वेश्चन जो है अपने पास 14 जो नंबर दे रखा है आपको, ठीक है, 14 नंबर दे रखा है, इसको आपको किस में बदलना है, बाइनरी में बदलना है। तो देखिए 14 नंबर दे रखा है आपको, मैंने एक मेथड बता रखा है कि आप क्या कीजिए, 14 लिखिए, 14 को 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये अपने पास कितना आ गया, 7 आ गया, रिमाइंडर कितना बचा, 0, फिर 2 से डिवाइड किया अपने पास, तो फिर अपने पास कितनी बार चला गया, 3 बार, या रिमाइंडर बचा 1,
फिर आपने दो से डिवाइड किया तो एक पर चला गया, रिमाइंडर वन बचा, यहाँ भाग नहीं जाएगा, ये अपने पास वन हो जाएगा, नीचे से ऊपर लिखिए तो क्या जाएगा, 1 1 0। क्लियर है चीज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अदरवाइज दूसरा तरीका भी अपने पास बता रखा है, मतलब 1 2 4 8, ठीक है। इनका सम कीजिए अपने पास कि जैसे कैसे 14 बन सकता है, 8 और 4 12, 12 और 2 कितने हो गए अपने पास 14, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो, तो राइट आंसर अपने पास क्या होगा, ए होगा, ठीक है। 43 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43 क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, कि देखिए लाइव क्लासेस में जो है अपने पास ऐप्स पर जितने भी क्लासेस हैं वहाँ आपको क्लियर ये चीज़ सारी मेंशन की गई है, किस तरीके से बाइनरी और डिजिटल को हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, 43 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, क्लियर चीज़। देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन पहले पढ़िए आप, परिधि पर प्रेरित ईएमएफ का परिमाण प्रत्यक्ष रूप से समानुपातित होता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड जो है अपने पास ईएमएफ इंड्यूस इन सर्किट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए ई जो अपने पास है वो ndφdt, ठीक है, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, नंबर ऑफ टर्न्स के और फ्लक्स पर जो चेंज होता है उसके, तो यहाँ हो जाएगा अभिवाह के बदलाव की दर पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट 44 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, जयावक्री का पीक टू पीक आरएमएस मान, पीक टू पीक आरएमएस मान है तो वोल्टा आरएमएस मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ जो वैल्यू दे रखी है ये आपको दे रखा है पीक टू पीक, पीक टू पीक का मतलब ये वैल्यू दे रखी है आपको कितनी है, 100 वोल्ट। तो पहले आप क्या निकालेंगे, वीएम, वीएम कितना हो जाएगा 50 वोल्ट हो जाएगा, और यहाँ वीआरएमएस निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50/√2 हो जाएगा, क्लियर है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपके पास बी हो जाएगा, ठीक है। 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 45 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, ठीक है। 45 नंबर का क्वेश्चन है वो देखिएगा कि क्या कह रहा है आपसे कि अन्नाद की अवस्था, ठीक है, अन्नाद की अवस्था आरएलसी परिपथ का बर्ताव, ठीक है। देखिए अन्नाद की कंडीशन में क्या होगा कि जो एक्सएल है वो अपने पास किसके बराबर हो जाता है, एक्सी, ठीक है। तो जो जो अपने पास जो इम्पीडेंस हो जाता है वो किसके बराबर हो जाता है, रेजिस्टेंस के बराबर, और पावर फैक्टर जो हो जाएगा अपने पास क्या हो जाता है, आर बाई जेड, यानी कि आर बाई ये यूनिट हो जाता है। तो उस समय जो अपने पास परिपथ होगा वो शुद्ध रजिस्टिव होगा, कैसा होगा, शुद्ध रजिस्टिव, यानी कि शुद्ध रजिस्टिव यानी शुद्ध प्रतिरोधी है। तो अनुनाद की परिस्थिति में अपने पास शुद्ध रूप से प्रतिरोधी परिपथ जैसा होता है, ठीक है, प्योरली रजिस्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें अपने पास 8 माइक्रोफेरड, 16 माइक्रोफेरड और 32 माइक्रोफेरड, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको साफ से दिखाई दे, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए ये क्या कह रहा है अपने पास कि तीन संधारित्र हैं जो 8 माइक्रोफेरड, 16 माइक्रोफेरड और 32 माइक्रोफेरड श्रेणी में संबंधित है, पूर्ण धारिता क्या होगी। अब देखिए पहले अपने पास क्या है कि 16 मल्टीप्लाई 32, अपन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा 48, ठीक है, क्लियर है। यह आ जाएगा अपने पास 32/3, इसका निकालेंगे तो इससे मल्टीप्लाई कर दो 8 से, 32/3 + 8, इसको ऐड किया अपने पास यह आ जाएगा अपने पास, ठीक है, 32/3 × 8, ठीक है, इसे ऐड किया तो ये अपने पास 8 से 24 हो जाएंगे, 24 को 32 में ऐड किया, ठीक है, 32 + 24/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर चीज। ऊपर है 32 × 8 डिवाइडेड बाय अपने पास ये देखिए ये आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, ठीक है, तो ये आ जाएगा 7, तो ये कितना आ जाएगा 32/7 माइक्रोफेरड, ठीक है, कितना आ जाएगा 32/μ, ठीक है। मैं थोड़ा अपने पास इसे ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको सॉल्यूशन दिखाई दे, क्योंकि यहाँ अपने पास ऊपर ये देखिए कितना आ जाएगा 32/32 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ये आ जाएगा 56 और 8 से कट जाएगा तो ये 32/7 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये अपने पास जो 46 का जो राइट आंसर है वो अपने पास क्या होगा, ए होगा, क्या होगा, ए आंसर होगा, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वायु की जो पारगम्यता है उसके बारे में पूछा गया है, वायु की पारगम्यता जो होती है, देखिए यानी कि म्यू आर जो है अपने पास वो होता है अपने पास 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है म्यू आर की। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा अपने पास वो बी हो जाएगा, डायरेक्ट आपको रिमेम्बर रखना है इसको। डीसी मशीन सॉरी ये म्यू आर नहीं, म्यू नॉट है, ठीक है, म्यू नॉट वायु की पारगम्यता पूछिए ना, ठीक है, क्लियर।
तो यहाँ क्वेश्चन जो है परमिबिलिटी ऑफ एयर लिखा हुआ है, परमिबिलिटी ऑफ एयर तो अपने पास वन होती है, ये अपने पास वैक्यूम लिखा होना चाहिए, ठीक है, इसको सही कर लेना, ठीक है, क्लियर। तो डीसी मशीन में हॉपकिंसन टेस्ट किया जाता है, ठीक है, हॉपकिंसन टेस्ट जो होता है अपने पास, देखिए डीसी मशीन में इसको अपने पास हीट रन टेस्ट भी बोलता है, हीट रन टेस्ट भी बोलता है, ठीक है, और बैक टू बैक टेस्ट भी बोलता है, बैक टू बैक टेस्ट भी बोलता है, और ये अपने पास इफिशियंसी फाइंड करने के लिए काम में लिया जाता है जनरेटर और मोटर की, ठीक है, और ये फुल लोड पर किया जाता है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा अपने पास ए होगा, पूर्ण भार पर, ठीक है। 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 49 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि पूर्ण तरह रेक्टिफाइड, ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने अपने पास सभी के बारे में जानकारी दी थी, भी यहाँ पर पूर्ण तरह जो रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है, उसके लिए जो अपने पास फॉर्म फैक्टर होता है वो 1.1 होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 1.57 होता है, स्क्वायर वेव के लिए 1 होता है, ठीक है, ये आपको बता रखा है। तो यहाँ जो राइट आंसर है डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्लियर चीज, ठीक है, क्योंकि फुल के लिए पूछा और हाफ के लिए पूछा होता तो 1.57 आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट में बिना फिल्टर के पूर्ण तरंग रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर क्या होता है, ठीक है, तो देखिए पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की बात करें फुल वेव में वो होता है 0.48 रिपल फैक्टर, और यदि अपने पास हाफ की बात करता तो वो 1.21, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपने पास बी हो जाएगा। 51 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 51 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि भार गुणांक यानी लोड फैक्टर को जो डिफाइन किया जाता है वो कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। देखिए लोड फैक्टर जो होता है यानी कि एल एफ होता है अपने पास एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, क्लियर चीज। एवरेज लोड को बोलते हैं औसत भार, क्या बोलते हैं औसत भार, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड को बोलते हैं अधिकतम मांग, क्या बोलते हैं अधिकतम भार या अधिकतम मांग। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन वन होती है, क्या होती है, लेस देन वन होती है, यानी एक से कम होती है, प्रायोगिक रूप से एक से कम होती है, और आदर्श अवस्था में इसका जो मान हो सकता है वो एक हो सकता है, क्लियर चीज, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए इसको रेज करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर का क्वेश्चन, देखिएगा आपके पास कि वो क्या कहता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया वाट ओवर किसकी इकाई है, ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिए इलेक्ट्रिक पावर इसकी इकाई जो होती है वो होती है वाट, तो ये अपने पास तो कट जाएगा, ठीक। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी जो है अपने पास वो एम्पियर ओवर में ले जाती है, ठीक है, तो ये भी कट जाएगा अपने पास, ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिए विद्युतीय भरण इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसकी अपने पास यूनिट होती है कूलाम, क्या होती है कूलाम, तो ये भी कट जाएगा। बच गया क्या अपने पास, विद्युत ऊर्जा है यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसकी जो यूनिट होती है अपने पास क्या होती है, वाट ओवर होती है, ठीक है। अगर मैं इसे 1 kWh में लिखूं, 1 kWh में लिखूं तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर होता है, 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होगा, और किलो कैलोरी भी 860 किलो कैलोरी के बराबर होता है, क्लियर चीज। ये भी पूछा जाता है, और ये सब किसके बराबर है, 1 यूनिट के बराबर होता है, ठीक है। 53 क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ, 53 क्वेश्चन जो अपने पास क्या होगा, पहले मैं इसको रेज कर देता हूँ ताकि अपने पास नेक्स्ट वाले का सॉल्यूशन हम आसानी से देख सकें, ठीक है। 53 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 53 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से सभी घटक में सक्रिय घटक है, ठीक है। अब देखिए जो एक्टिव एलिमेंट होता है, एक्टिव एलिमेंट अपने पास वो होता है जिनमें अपने पास स्वयं की कोई ऊर्जा होती है, स्वयं की कोई ऊर्जा होती है, उन्हें एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। और जो पैसिव एलिमेंट होते हैं वो अपने पास क्या, दूसरों से ऊर्जा लेते हैं, जैसे प्रतिरोध हो गया, संधारित हो गया, प्रेरक हो गया, ये सब अपने पास पैसिव एलिमेंट है। और जबकि एक्टिव एलिमेंट अपने पास कौन से होते हैं, एक्टिव एलिमेंट अपने पास होते हैं, ठीक है, जैसे अपने पास बैटरी हो गया, सेल हो गया, ठीक है, क्लियर चीज। तो देखिए जितने भी अपने पास BJT FET हैं ये अपने पास किस में आएंगे, एक्टिव एलिमेंट में आएंगे, किस में आएंगे, एक्टिव एलिमेंट में आएंगे, क्योंकि इनमें अपने पास कुछ ना कुछ कठिन वोल्टेज होता है, ठीक है, क्लियर चीज। ये तो अपने पास गलत हो जाएंगे दोनों तीनों अपने पास, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, ठीक है, ठीक है। 53 तक तो हमने देख लिया था, 54 पर चलते हैं, 54 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए ठीक है। तो देखिए 54 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदर्श संकारक प्रवर्धक यानी ऑपरेशन एम्पलीफायर की बात कर रहा है कि इसका इनपुट प्रतिबाधा होती है। देखिए इसका जो अपने पास ये आइडियली रूप से इसे क्या माना जाता है, वोल्टेज सोर्स माना जाता है, वोल्टेज सोर्स, ठीक है, क्लियर चीज। तो इसकी जो अपने पास क्या है कि इनपुट प्रतिरोध जो होता है, इनपुट प्रतिरोध अनंत होता है, और आउटपुट प्रतिरोध क्या होता है, जीरो होता है,
क्लियर चीज। अगर बैंड विड्थ भी देखें तो इसके अपने पास वो क्या होती है, अनंत होती है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि अनंत आ जाएगा। क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब फॉरवर्ड बायस में जंक्शन डायोड को अनुप्रयुक्त होता है तो वह, ठीक है, तो वह विभव रूप बढ़ाता है, ठीक है। तो देखिएगा ये मेरे पास क्या है, डायोड है। इस डायोड का अगर मैंने अपने पास क्या करना, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ क्या होगा, बैरियर पोटेंशियल जो है, बैरियर पोटेंशियल यानी विभव रोध, ठीक है, वो अपने पास इसका घटता है। डिप्लेशन लेयर जो है अपने पास, अवक्षय परत, ठीक है, उसकी जो विड्थ है, चौड़ाई, वो भी क्या होती है, घटती है। तो यह जो राइट आंसर होगा वो होगा अपने पास बैरियर पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो बी अपने पास राइट आंसर होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो वो भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिक्रीज होती है अपने पास, जो वोल्टेज है वो भी डिक्रीज होता है। डिप्लेशन लेयर जो है वो भी क्या होती है, डिक्रीज होती है, लेकिन कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। और जो फॉरवर्ड बायस में जो कैपेसिटेंस बनता है उसको अपने पास क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। 56 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 56 नंबर का क्वेश्चन कहता है अपने पास, यदि डेल्टा संबंधित प्रणाली की रेखा आईएल है, तो डेल्टा की बात कर रहा है, डेल्टा में जो अपने पास लोड धारा है वो अपने पास आईएल है, तो प्रावस्था धारा जो होगी अपने पास वो क्या होगी, फेज करंट की बात कर रहा है। तो देखिए आई पी बराबर क्या होता है अपने पास, रूट थ्री आई एल के बराबर होता है। तो यहाँ से आई एल बराबर होता है वो रूट थ्री आई पी के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर मैं आई पी निकालूँ तो ये हो जाएगा आई एल, ये जो होगा हो जाएगा अपने पास वो हो जाएगा आई एल बाई रूट थ्री। जो राइट आंसर होगा वो अपने पास बी होगा। क्लियर चीज। और यदि अगर डेल्टा की बात ना करके स्टार की बात की जाती तो वहाँ आई एल बराबर क्या होता है, आई पी होता है, लेकिन वी एल बराबर क्या होता है, रूट थ्री वी पी होता है। क्लियर चीज। ये थोड़ा सा डाटा आपको रिमेंबर रखना है, क्योंकि पेपर में पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको मैं अरेज कर लेता हूँ, ठीक है। क्लियर चीज। नेक्स्ट जो नंबर का क्वेश्चन है वो 57 नंबर का क्वेश्चन है, वो देखिएगा आप क्या 57 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, मैट्रिक्स का मूल्यांकन, ठीक है। देखिए इस वाले को इसके साथ गुणा कीजिए अपने पास, तो 4 गुणा माइनस 5, ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस 20, ठीक है। इसको अपने पास इसके साथ गुणा कीजिए, ठीक है, तो यहाँ अपने पास क्या माइनस का चिन्ह तो आता है, ये साथ में 2 को अपने पास 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 6, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का 20, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 6, तो ये आ जाएगा माइनस का 48। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, माइनस का 48, ठीक है। क्लियर चीज। 58 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, ठीक है। एक गतिमान कण दूरी समय सूत्र दे रखा है आपको, एक गतिमान कण का दूरी समय सूत्र आपको दे रखा है, ठीक है। क्लियर चीज। पहले इसकी मैं गति रोकता हूँ, ठीक है, गतिमान दूरी समय सूत्र दे रखा है एस टी। अब देखिए आपको वेग समाप्त हो जाए, पहले वेग क्या होता है अपने पास जो है, ये वेग जो होता है वी, ये अपने पास होता है दूरी में परिवर्तन की दर। तो पहले अपने पास इसका अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा 2t-4। अभी जीरो करना है तो यहाँ से टी की वैल्यू कितने हो जाएगी अपने पास, टी की वैल्यू निकालेंगे तो, ठीक है, ये 4/2 अपने पास 2, यानी कि 2 सेकेंड आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 सेकेंड आ जाएगी, ठीक है। तो राइट आंसर होगा अपने पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, 24 और 36 का एचसीएफ, यानी कि जो है अपने पास हाई कॉमन फैक्टर निकालना। तो देखिए 18 के टुकड़े करें अपने पास, तो आप ऐसे देख लीजिए 18, 24 और 36, ठीक है। पहले मैंने इसको डिवाइड कर दिया 6 से, ये 6 3 18 6 4 24 6 6 36, इसके बाद इसमें भाग जाएगा तो किसका जाएगा, 2 का जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक साथ, अब देखिए यहाँ 3 का भाग लगाना पड़ेगा, यहाँ 4 का लगाना पड़ेगा, 6 का लगाना पड़ेगा, इसके बाद कोई बड़ी संख्या नहीं आएगी जब मैं तीनों का भाग, तो 6 इसका क्या हो जाएगा, हाई कॉमन फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा 60 नंबर का, कौन सा बूलियन नियम नहीं है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि अपने पास ये सही हो, ठीक है। देखिए बूलियन नियम कौन सा सही है ये पूछा गया है। तो देखिए ए प्लस अगर 0 हो तो ये अपने पास ए के बराबर होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ए प्लस ए बार, ठीक है, ये अपने पास जो होता है ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। क्लियर चीज। तो ये गलत हो जाएगा। ए ए प्लस ए बी, ठीक है, तो देखिए ए प्लस ए बी अगर मैं यहाँ कॉमन ले लूँ ए, ये 1 प्लस बी हो जाएगा,
वन प्लस बी हो जाएगा, तो इसको वन बोलेंगे तो ये ए के बराबर आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और ए प्लस वन, ये हमेशा अपने पास वन में कुछ भी जोड़ा तो वन, तो राइट आंसर जो होगा बी होगा। तो देखिए ये अपने पास 2015 का इसरो का पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन था, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम अपने पास इसरो के दूसरे पेपर को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ जितने भी पेपर होंगे अपने पास पहले इसरो के पेपर सॉल्व करा लेंगे, फिर अपने पास कुछ लाइनमैन के जो पेपर है उनको सॉल्व कर लेंगे, तो पेपर सॉल्यूशन में अपने पास, जिससे कि आपके कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके। थ्योरी की क्लासेज आपके ऐप्स पर चली रही हैं, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं ठीक है वो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।